नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमएस इनसाइट पर। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो आज फिर हम उसी जगह पर मौजूद हैं, उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां हम डेली चर्चाएं करते हैं उन विषयों पर जो हैं आपसे जुड़े, जो हैं आपके सरोकारों से जुड़े, आपके भरोसे से जुड़े, आपके विकास से जुड़े। मगर क्या उनका समाधान हो पाता है इन नेताओं के जरिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम एक बार फिर से इन्हीं नेताओं के साथ मौजूद हैं जो आज हमारे मंच पर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा सत्येंद्र यादव कांग्रेस से, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इनके साथ इनके 700 कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दिया है। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा, और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विश्व मोहन जी कांग्रेस से। तो स्वागत है आप तीनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम बॉस 2013 उभरते भारत की जंग में। तो उभरते भारत की जंग यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस और बीजेपी लगातार दोनों लगे हुए कश्मकश में कि किसी ना किसी तरीके से जो सत्ता है उस पर कब्जा जमा लिया जाए और यहाँ पर शासन किया जाए और यहाँ पर अच्छी सुविधाएं दी जाएं। घोषणा पत्र भी आ गए हैं आप लोगों के, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। सबसे पहले मेरा सवाल सत्येंद्र यादव जी से, सत्येंद्र यादव जी, आपने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा क्यों दिया? इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस तरह से जबलपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट राधेश्याम चौबे जी को नियुक्त किया, निश्चित तौर पर उससे हम कार्यकर्ताओं में एक हताशा का माहौल बना और हमसे जुड़े लोगों ने, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, घर के अंदर विरोध किया, आपस में बैठ के लंबा विचार विमर्श हुआ और हम लोगों ने छोड़ने का फैसला लिया। सत्येंद्र यादव जी, कांग्रेस और बीजेपी विपक्षी पार्टियां हैं, लगातार इनकी जो खींचातान है जारी रहती है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, तो फिर कैसे इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को आपके ऊपर नियुक्त कर दें? दरअसल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वह सिस्टम कामयाब होता है जो हमारे नेताओं के ऊपर भारी पड़ता है। उनने किसी न किसी रूप में सौदेबाजी करके एक एजेंट के रूप में पिछले लंबे समय से, पिछले विधानसभा चुनाव में भी राधेश्याम चौबे ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धन उपलब्ध कराया था, संसाधन उपलब्ध कराए थे, सीधे सीधे नरेंद्र पाठी के प्रचार में भाग लिया था और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी विजयकांती पटेल जी को हराया था, जिसकी शिकायत विजयकांती पटेल जी ने और तत्कालीन जिलाध्यक्ष ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से की थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी और अभी वर्तमान में 5 तारीख 8 तारीख तक नामांकन भरने का था, इनने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा और पूरी कांग्रेस को भला बुरा कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को भला बुरा कहा, राष्ट्रीय नेताओं को भला बुरा कहा। ऐसे एजेंट को फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त करके या तो उनके सामने शरणागत हुए है या कहीं भारतीय जनता पार्टी से डील हुई है। तो कहीं ना कहीं जो आपके जो सवाल उठ रहे हैं, आपके प्रदेश लेवल पर जा रहे हैं, आला कमान तक सवाल आपके जा रहे हैं, क्योंकि जब आप बता रहे हैं कि पहले भी लगातार शिकायतें की जा रही थी उनके खिलाफ कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, और उसके बाद भी अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष ऐसी गलती करते हैं तो इसका मतलब तो यही सामने आता है कि जो आपके पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसको गुटबाजी मैं नहीं मानता जी। गुटबाजी आपस में एक छोटी लाइन को बड़ी लाइन खींचने के बीच में हो सकती है गुटबाजी। मतभेद तो नजर आ रहे हैं जिस तरीके से, ये मतभेद का प्रश्न, ये मतभेद का प्रश्न नहीं है, यह सीधा सीधा पार्टी के साथ दगाबाजी करना है, सीधा सीधा कांग्रेस की ईमानदार कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थोपा जाना है, इसके मेरे पास प्रमाण है। तो सत्येंद्र यादव जी के मुताबिक के यहाँ पर पार्टी के साथ दगाबाजी की जा रही है और एक भाजपा के एजेंट को उनके ऊपर नियुक्त कर दिया गया है जो उन्हें बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। और यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा विश्व मोहन जी, जिस तरीके से सत्येंद्र यादव जी ने बताया कि यहाँ पर एजेंट को नियुक्त कर दिया गया है और कई बार शिकायतें इन लोगों ने की, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद भी दोबारा नियुक्त कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में जो मतभेद नजर आ रहे हैं आपकी पार्टी के अंदरूनी मतभेद हैं खुलकर सामने आ गए हैं इस वक्त? देखिए, परिवार के अंदर मतभेद हो सकता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार है, सत्येंद्र भाई भी उस परिवार के सदस्य हैं और चौबे जी भी उस परिवार के सदस्य हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी से कोई भूल हुई है तो परिवार के सदस्य उसको समझा बुझा के, मना के और उसको कुछ हल्का फुल्का पनिशमेंट दे के या कड़ा पनिशमेंट दे के उसको मना लेते हैं। आप के माता पिता आपसे नाराज होंगे तो घर से बाहर नहीं करेंगे आपको। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी के किसी सदस्य से भूल होती है, एक बार हो तो आप उसे भूल कह सकते हैं,
जो बार बार की जा रही है वो भूल नहीं है, गलती है, जो जानबूझकर की जा रही है। नहीं देखिए, ये सत्येन जी के अभी आरोप हैं, इनने जो आरोप लगाए हैं, शायद इनके पास कोई तथ्य हो, उनके आधार पर इनने जो शिकायत करी है, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि इनको धैर्य रखना चाहिए। यदि उन तथ्यों में कोई सत्यता है तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, अवश्य देखा जाएगा कि यदि ये रिपीटिशन है तो कड़ी कार्रवाई होगी। विश्व मोहन जी साफ तौर पर बोल रहे हैं कहीं कहीं ना कहीं आपको कोई गलत फहमी है जिसे आपको दूर कर लेना चाहिए, तो आप बताएं। गलत फहमी का प्रश्न नहीं है, शिकायत प्राथमिक तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव की प्रत्याशी की है, लिखित में शिकायत है, उस पर मोहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की है। दोनों शिकायतों के आधार पर अभी 1/11/2013 को तत्कालीन जिला अध्यक्ष रूपेन पटेल जी ने पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा कि इनको पार्टी का टिकट ना दिया जाए। दूसरा तथ्य आप लोगों ने 4 दिन पहले देखा होगा, आपके मीडिया के सामने ही राधेश्याम चौबे जी ने तमाम गालियां बकी थी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। तीसरा तथ्य, अभी भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद भी पार्टी कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आंख खोल कर देख ले अगर उनके पास ज्ञान चक्षु है तो। विश्व मोहन जी, राधेश्याम चौबे ने गालियां बकी थी पार्टी आला कमान को, बड़े नेताओं को, आपको क्या लगता है, आपने देखा ये सब? नहीं, मैंने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं देखा है, पर यदि सत्येन जी ऐसा कुछ कह रहे हैं तो अवश्य उसकी जानकारी ऊपर तक जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि नाराजगी में कोई किसी को कुछ क्षणिक उसमें बोल देता है तो इसका ये मतलब नहीं मानना चाहिए कि कोई हमारे परिवार से परमानेंटली बाहर चला गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत मतभेद नजर आ रहे हैं, या फिर जो कुछ भी कहें, यहाँ पर कोई बताता है कि गलत फहमी है, कोई कहता है मतभेद है, कोई कहता है मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। यहाँ पर पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी। जयंत वर्मा जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी सत्येंद्र यादव जी ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट राधेश्याम चौबे को इनके ऊपर नियुक्त किया गया है, बार बार शिकायत की गई, पिछले विधानसभा चुनाव में शिकायत की थी और अब तक उस गलती को नहीं सुधारा जा सका है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? कि अब सभी पार्टियों में स्थिति ये हो गई है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जगह एक केंद्रीकरण हो गया है। ऊपर से पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं और नीचे लोग क्या सोच रहे हैं, कार्यकर्ताओं की क्या विचार हैं, इसके बारे में नीचे के स्तर पे तो सब जानकारी इकट्ठी की जाती है और ले जाके उसको वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और जिसको टिकट देना है वो ऊपर से तय हो जाता है। और इसी के कारण हर पार्टी में ये स्थिति है कि स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मतलब असंतोष है और बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जयंत जी, बिखराव की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकती है, जिस तरीके से अभी सत्येंद्र यादव जी ने इस्तीफा दिया प्राथमिक सदस्यता से और 700 कार्यकर्ताओं ने भी इनके साथ इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कहीं कांग्रेस को हो सकता है। वो हर पार्टी को होता है, पार्टी को विरोधी दल नहीं बल्कि उसकी पार्टी ही हराती है। ये तो एक सामान्य बहुत सारी हर कोई को जानता है कि जो पार्टी का कैंडिडेट है वो विरोधी के कारण उतना नहीं हारता जितना कि अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट लोगों के। मोहन जी, यहाँ पर जयंत वर्मा जी ने हमें बताया कि जो अब जो भी फैसले हो रहे हैं पार्टी आला कमान ऊपर से ही फैसले कर रहा है, जो भी फैसले हो रहे हैं प्रदेश लेवल से भी नहीं हो रहे, ऊपर से बिल्कुल फैसले किए जा रहे हैं, तो आप लोग अगर उन फैसलों से सहमत नहीं है तो आप लोग पार्टी आला कमान को इस बारे में अवगत क्यों नहीं करवाते? देखिए, पार्टी आला कमान को सब बातों से अवगत कराया जाता है, वो सभी चीज़ों पर नज़र रखती है। वर्तमान में भी हमारी पार्टी ने पर्यवेक्षक के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जी को जबलपुर में भेजा हुआ है, जो इन सब बातों पर नज़र रख रहे हैं। कोई नाराज है तो उनको मनाने का भी प्रयास हो रहा है, पार्टी के भी जो स्थानीय वरिष्ठ लोग भी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, सत्येन जी के साथ भी प्रयास किया जा रहा है। इनकी नाराजगी है, अभी इनने इस्तीफा दिया है पर इस्तीफा हमारी पार्टी ने अभी तक मंजूर नहीं किया है। यहाँ पर साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो राधेश्याम चौबे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, उनकी लगातार शिकायत की गई है, उसके बाद भी पार्टी आला कमान ने कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान समय में चुनाव का समय है, सभी नेता अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, प्रचार में व्यस्त हैं, चुनाव के प्रबंधन में व्यस्त हैं। ऐसे समय में मैं यदि सत्येन जी की जगह होता, और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे समय धैर्य रखना चाहिए, यदि मान लीजिए इनका कोई मतभेद भी है तो ये मतभेद की चर्चा बैठ के हम चुनाव के बाद हल कर सकते हैं। मैं तो इनसे यही अनुरोध करूंगा, पार्टी भी इनसे यही अनुरोध करेगी। और अभी इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, दिया है, ये हमारी पार्टी के सिपाही है, नहीं मंजूर किया। ये तो भूतकाल की बात हो गई, वर्तमान में फूल छाप कांग्रेस का अध्यक्ष जो बैठा हुआ है उससे जुड़े हुए लोग आज भी कल रात की तारीख तक विनोद उपाध्याय
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का काम करते हुए और कमल का प्रचार करते हुए मैंने स्वयं ने रिकॉर्ड किया हुआ है। सुनील उपाध्याय, अनंत चौधरी और रामकेश पटेल, ये चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर सील ठप्पा लगा हुआ राधे श्याम चौबे का, कांग्रेस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का प्रचार कर रहे हैं ऐसे लोग। ये चीज हाईकमान को और ऑब्जर्वर्स को अगर दिखती है तो इस पर तत्काल एक्शन लें। कहीं ना कहीं यहाँ पर आला कमान जो है, कांग्रेस का आला कमान है, वो इन सब बातों से अनजान है। मगर क्यों अनजान है? इतनी ज्यादा शिकायतें जाने के बाद भी उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? क्यों वो अपने पार्टी के अंदर इतने बड़े मतभेद पैदा कर रहे हैं जिससे जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़े? तो अच्छा, एक चीज सत्येंद्र यादव जी, आगे आप क्या करेंगे इस पर, क्या फैसला है आपका? हमारा जन्म कांग्रेस परिवार में हुआ है, कांग्रेस परिवार में रहूंगा सैद्धांतिक तौर पर, और मृत्यु होगी तब भी कांग्रेस परिवार में ही होगी। इन फूल छाप कांग्रेसियों को निकाल कर हम लोग बाहर दम लेंगे तब हम चैन से बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी आक्रोश है सत्येंद्र यादव जी के दिल में उन फूल छाप कांग्रेसियों के लिए, जिन्हें फूल छाप कांग्रेस ही कह रहे हैं, मतलब आपका राधे श्याम चौबे की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जी। विश्व मोहन जी, राधे श्याम चौबे से आपको क्या लगता है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है? नहीं, इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ। चौबे जी काफी समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और पूर्व में मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अन्य पदों पर रहे हैं। ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का पत्र है, तत्कालीन अध्यक्ष जी का, रूपेन पटेल जी का, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विजय यादव जी ने, विजय कांति पटेल ने स्वयं ने लिखा है राधे श्याम चौबे जी को धन उपलब्ध कराने के लिए, और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने का ही पत्र है इस बात का। एक पत्र और है जिस पर राधे श्याम चौबे ने स्वयं इस्तीफा दिया है और कांग्रेस को भला बुरा कहा है, केवल एक दस्तखत के साथ इतने तमाम कांग्रेसियों को संदिग्ध बनाया है। तो मतलब ये जो आपके जो पत्र है यहाँ पर, ये पत्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा विश्व मोहन जी, आपको ये पत्र दिखाना चाहता हूँ मैं। यह पत्र देखिए, शायद तो ये है कि ये पत्र जो है ये पार्टी के आंतरिक पत्र है सत्येंद्र जी, इनको आपको सार्वजनिक करने का जो है ये तरीका से मैं सहमत नहीं हूँ कि यदि पार्टी के किसी पदाधिकारी ने अपने कोई नेता को पत्र लिखा है तो उसको आप मीडिया में सार्वजनिक करके कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। इससे आपके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस चीज की जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पर सत्येंद्र यादव जी ने जो आरोप लगाए हैं राधे श्याम चौबे पर, ये एक आंतरिक मामला है, एक आंतरिक मामला है जिसमें किसी के ऊपर यदि संदेह है, किसी को किसी से शिकायत है तो वो अपनी शिकायत पार्टी के फोरम में अंदर कर सकता है। वो सबूत लेकर खड़े हुए हैं ना कि राधे श्याम चौबे जिनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रहे हैं उनके खिलाफ उनके पास सबूत है, उन्हीं सबूतों को वो हमें दिखा रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी, एक शिकायत है, मेरी बात यदि आप पूरी सुन ले, एक शिकायत है और ये शिकायत के ऊपर जांच होती है और जांच होने के बाद ही किसी को दोषी पाया जा सकता है। केवल शिकायत के आधार पर आप किसी को फांसी पर टांग दो या किसी को जेल में भेज दो या किसी को पार्टी से बाहर कर दो, ये तो उचित नहीं। मैं सत्येंद्र जी, सत्येंद्र भाई की बात से सहमत हूँ। शिकायत यदि हुई है किसी बार की, उसकी जांच हो जाने दीजिए, उसकी जांच हो जाने दीजिए। यदि दोषी पाया जाता है तो पार्टी उसके ऊपर, मेरा मानना है कि वरिष्ठ नेता पार्टी हाईकमांड अवश्य कार्रवाई करेगी। आप पर्यवेक्षक जी यहाँ बैठे हैं, आप उनके सामने अपना पक्ष सशक्त रूप से रखें। सत्येंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा निवेदन है आदरणीय विश्व मोहन जी से कि ये शिकायत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करने का प्रमाण है और वो शिकायत या जांच हो सकती है, आप उसका अध्ययन कर लें। ये तो स्वयं राधे श्याम चौबे ने लिखा है, ये बात स्वयं राधे श्याम चौबे ने, आज आप भी ऐसी बातें लिख रहे हैं, आप भी इस्तीफा दे रहे हैं, कल को हम भी वो कागज उठा के दिखा सकते हैं सत्येंद्र जी, ये तो कोई उचित बात नहीं है। जो जिस व्यक्ति का आपसे सवाल स्वीकार नहीं हुआ उसको दिखाने का क्या मतलब? बड़ा बड़ी चीज यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज की यहाँ पर दो कांग्रेसी हमारे साथ खड़े हैं। एक अपने आपको बताते हैं, मैंने इस्तीफा दिया बट मैं कांग्रेस का ही हूँ, दूसरे यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य हैं। मगर इन दोनों में कहीं ना कहीं अभी जो एक जुटता है वो हमें नहीं दिखाई दे रही। जयंत वर्मा जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सत्येंद्र यादव जी ने बताया कि जो कांग्रेस के वो बीजेपी के एजेंट हैं राधे श्याम चौबे जी, उनके खिलाफ उनके पास सबूत हैं और यहाँ पर विश्व मोहन जी साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि ये सबूत नहीं है और इस चीज को सामने नहीं लाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कोई भी सबूत होता है, अब कल के दिन वो ये भी कह सकते हैं मेरे दस्तखत नहीं है, तो उसका जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम कैसे मान लें कि ये सच में मीडिया के सामने आकर राधे श्याम चौबे जी ने इस बातों को कहा था वो मीडिया में प्रमाणित है, और जो स्वयं राधे श्याम चौबे जी का पत्र है जो कांग्रेस को भला बुरा कह रहे हैं।
इसमें जांच के लिए कोई बात ही नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा, कांग्रेस की अनुशासनहीनता तोड़ी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पिछले दिनों जब अल्पप्रवास पर डुमना पर उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि किसी भी भीतरघाती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तत्काल निष्कासित किया जाएगा। निष्कासन की जगह उनको पारितोष मिल रहा है, उनको इनाम मिल रहा है। सत्येंद्र यादव जी, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, आपका अगला एक्शन है क्या, आप चाहते क्या है पार्टी से, वो खुलकर बताएं ताकि आपकी बात हम लोग आपकी पार्टी तक पहुंचा सकें। कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा आदरणीय वर्मा जी ने इस बात को कहा कि नीचे से बातों को फीडबैक लेने की किसी को फुर्सत नहीं है। आम कांग्रेस का कार्यकर्ता सिपाही किस हाल में है, क्या चाहता है, उस मंशा को समझने का प्रदेश नेतृत्व के अंदर शायद क्षमता नहीं बची हुई है। इसलिए शायद जो कम्युनिकेशन गैप, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं, आज कांग्रेस का छोटा सा छोटा सिपाही मन महसूस कर कांग्रेस का काम कर रहा है। मैं स्वयं बात को बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ बोलता हूं, मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा। इन फूल छाप कांग्रेसियों की तुलना में मैं भाग के जाने वाला नहीं हूं। सत्येंद्र यादव जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों की पार्टी में जो भी मतभेद है वो सामने आए हैं खुलकर, मगर यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि जो आपकी समस्याओं का समाधान हो, उसे पार्टी आला कमान को करना चाहिए, उससे समझना चाहिए। तैयार रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए असेंबली इनसाइट, क्योंकि बहस अभी जारी है।